द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। मार्केट में ट्रेड करना कभी कभी काफी इमोशनली टैक्सिंग हो सकता है, एंड इट्स ईजी फॉर अस टू गेट कैरिड अवे बाय द इमोशंस एंड मेक इरैशनल डिसीजंस, जिंदगी में भी और स्टॉक मार्केट में भी। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर यंग इन्वेस्टर्स। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन रिड्यूस ट्रेडिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन इमोशंस एंड टेक इन्फॉर्म्ड कॉल्स। ऑलराइट, so first thing you need to do is establish some rules under which you will trade. ye rules aap apne risk tolerance ke hisab se bana sakte hain. aap kaun si strategy ko follow karne wale hain, aapke trades ke entry aur exit points kya honge, aapka stop loss kya hoga, ye sab kuch aapko koi bhi trading decision lene se pehle hi decide kar lena chahiye. it is particularly important to strictly follow these rules when you are new to investing. जैसे जैसे आप मार्केट का एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपके रूल्स भी वैसे वैसे इवॉल्व होते जाएंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट रूल इज टू कीप रिसर्चिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज इन्वेस्टर्स वी शुड स्ट्राइव टू गेन एज मच नॉलेज एज वी कैन, बी इट अबाउट अ सेक्टर और अ कंपनी दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। जैसा हमने इस कोर्स में पहले भी सीखा है कि स्टॉक्स के प्राइसेस दोनों फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। वो फैक्टर्स क्या होते हैं? वो होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये फैक्टर्स क्या हैं, इनका प्राइसेस पर क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अगला रूल है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहना। ये ज़रूरी है कि आप अपने हर ट्रेड से हुए प्रॉफिट और लॉस का रिकॉर्ड मेंटेन करें। ये न सिर्फ आपको आपकी प्रोग्रेस देखने में मदद करेगा, बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स। लास्टली, use technical analysis to verify trends and price action. Now, technical analysis के जरिए ना आप किसी भी stock में patterns assess कर सकते हैं। It is a mathematically driven system based on past prices. अगर आप एक stock को काफी time से track कर रहे हैं, तो technical analysis की मदद से आप उसके price direction का अंदाजा लगा सकते हैं। So that's all in this video, friends. In the next video, we will discuss 7 common mistakes that traders tend to make and how you can avoid them while trading. See you there. Till then, you just take care of yourself. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.